शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। देखिए, वर्क फ्रॉम होम का सबसे बढ़िया फायदा है कि एक तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ऊपर से आप फिजूल के कन्वर्सेशन को भी स्किप कर सकते हैं। अब वैसे ही OTT का फायदा है क्योंकि यहाँ आपको फास्ट फॉरवर्ड करके फिजूल के सीन हटाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। खैर, थिएटर में हजारों के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के खर्चे से बचकर आप हॉटस्टार पर हंगामा 2 देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो फिल्म के ट्रेलर से लेकर फिल्म का गाना चुरा के दिल में राखे रीमिक से लोग नाराज फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठे हैं। सच कहो तो इस गाने से अच्छा तो इस बच्चे ने गाना गा दिया है जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। और अब तो इससे बॉलीवुड के सिंगर बादशाह ने भी वीडियो कॉल पर बात की है। और तो और, अब इस गाने पर भोजपुरी गाने भी बनने लगे हैं। जरा आप भी सुनिए इस बच्चे का ये मजेदार गाना। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। खैर, आते हैं वापस हंगामा 2 पर, जो कि हंगामा मचाने में फेल हो गया है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। ऑनेस्टली, अब अगर आप 90 के दशक के किसी भी चीज को हाथ लगाइएगा, स्पेशली रीमेक के लिए, तो मिलेनियल्स का गुस्सा होना ऐसे भी ट्रेंड में है। खैर, अब आपको बताते हैं कि फिल्म और ट्रेलर दोनों का सच में सेम है या फिर बस सोशल मीडिया के र्यूमर यूनिवर्सिटी का शिकार हो गई है। लड़की हो के गाली देती हो, अबे लड़की हो के अपने कपड़े नहीं धो सकती, कुछ ऐसे ही डायलॉग्स थे 2003 में आई फिल्म हंगामा में। अब 2021 यानी कि पूरे 18 साल बाद आई हंगामा 2 में कुछ ऐसे डायलॉग है। आधे कपड़े क्यों, पतलून पहनना भूल गई क्या, पूरे पैसे देकर भी आधे कपड़े खरीद कर लाई हो। भाई सच कहूं तो विकास की ये गति बहुत दुखद है। अब देखिए, जैसे मॉडर्न समाज में अरेंज मैरिज के लिए आज भी लड़कियों को हाथ में समोसे की प्लेट और लड़कों को सैलरी स्लिप ला के दिखानी पड़ती है, वैसे ही कुछ चुनिंदा तरह की फिल्मों में पुराने डायलॉग, सोच और रवैये आज भी बदलाव नहीं आया। बट हंगामा 2 से हमें डायरेक्टर्स ने उम्मीद रखने के लिए कहा भी नहीं था, तो माय बैड। अब साल 2000 में हेरा फेरी, 2003 में हंगामा, 2004 में हलचल और 2005 में गरम मसाला, चुप चुप के भूल भुलैया एंड सो ऑन, हर साल कॉमेडी फिल्मों के साथ शॉट पर शॉट मारने वाले प्रदर्शन की फिल्म हंगामा 2 23 जुलाई को हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है, जो मशहूर मलयालम स्टार मोहनलाल की 1994 में आई फिल्म मिन्ना राम पर लूजली बेस्ट है। जिसकी कहानी क्या है, फिल्म में कहानी आकाशवाणी की है। जी हाँ, अब जैसे रेस्टोरेंट कोई भी हो लेकिन इंडियन पप्पाओ का दाल चावल का ऑर्डर फिक्स्ड है, ठीक वैसे ही प्रदर्शन की कॉमेडी फिल्म में एक्टर एकदम सेम होते हैं। इसमें भी परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, मनोज जैसे एक्टर्स हैं। अब देखिए, हंगामा 2 तो रिलीज हो गई है। वैसे हंगामा आने से पहले काफी हंगामा हुआ। कुछ लोगों की निजी जिंदगी में हंगामा हुआ तो वहीं कुछ लोगों ने हंगामा बरपने की कोशिश की। लेकिन 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 आपको बता दें कि हंगामा आते ही हंगामा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म देखकर शायद आप भी यही कहेंगे कि हंगामा बिल्कुल भी नहीं हुआ। खैर, आइए जानते हैं क्या है हंगामा 2 की कहानी। वैसे तो 2003 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म हंगामा खूब हिट हुई थी, जहां आज इस फिल्म का सीक्वल हंगामा 2 रिलीज हुआ है। जैसा कि ये दोनों ही फिल्में मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी है, लेकिन इस हंगामा में, जिसमें हमें हंगामा 2 गुना देखने को मिलना चाहिए था, उसमें हंगामा कहीं नजर नहीं आता है। फिल्म बिल्कुल सपाट की तरह चलती जाती है। इस हंगामा में कोई मजा नहीं है, ना कहानी में कोई दम है, फिल्म बिल्कुल फीकी है। आइए जानते हैं फिल्म को और करीब से। इस फिल्म की कहानी मिजान जाफरी के पिता आशुतोष राणा से शुरू होती है, जो उनसे बेहद परेशान है। जहां वो अपने बच्चों का घर टूटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनके बेटे मिजान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिल्म शुरुआत से ही डल रही है, जहां महज बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं। ये बड़े बड़े लोगों की कहानी है, जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन सुकून भरी जिंदगी नहीं है।
हंगामा को टक्कर नहीं दे पाए हंगामा 2। प्रदर्शन की पहली हंगामा के सामने उनकी ये सीक्वल फिल्म हंगामा 2 कहीं टक्कर में नजर नहीं आती है। फिल्म में इस्तेमाल किए गए बड़े किरदारों को और भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था। फिल्म के शुरू होने के 45 मिनट बाद शिल्पा शेट्टी की एंट्री होती है, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा चेहरा है, जिन्हें इस फिल्म में देखने के लिए लोगों ने इस फिल्म को देखने का फैसला किया था। लेकिन वो भी इस फिल्म में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। फिल्म में उनके सीन बहुत कम ही है, जिस वजह से आपके रंग में भंग पड़ सकता है। इस फिल्म के साथ शिल्पा ने एक बड़ा कमबैक प्लान किया था, लेकिन अब उनका कोई महत्व नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शन की फिल्मों में सितारा कोई भी क्यों ना हो, दर्शक कहानी पर भी फिल्मों को एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन इस फिल्म के कहानी में कोई दम नहीं दिखाई दिया। इस फिल्म को लेकर हमें तो बड़ी निराशा हासिल हुई है। फिल्म में अंजलि का किरदार निभा रही शिल्पा शेट्टी को फिल्म में अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से दर्शक इस फिल्म से खासा निराश ही होने वाले हैं। साल 2003 में आई निर्देशक प्रदर्शन की हंगामा आज भी दर्शक नहीं भूल पाते हैं। हंगामा 2 उसी ब्रांड को आगे बढ़ाती है। दो प्रेमी जोड़े अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने में लगे हैं और पति पत्नी का एक जोड़ा आपसी तालमेल के अभाव में रात दिन खट्टी मीठी नोकझोंक दो चार हो रहा है। हंगामा की तर्ज पर ही नई कहानी लिखी गई और शुरू से अंत तक लेखक निर्देशक एक्टर इस कोशिश में हैं कि दर्शक हंसे। मामला कॉमेडी ऑफ एरर्स का है। कॉमेडी ऑफ एरर्स में कथनाकन कुछ यूं होता है कि उनके किरदार घटनाओं और बातों को एक के बाद एक गलत नजरिए से देखते चलते हैं और फंसते जाते हैं। वो समझ कुछ और रहे हैं और मामला कुछ और होता है। इस तरह दर्शक के लिए कॉमेडी पैदा होती जाती है। हंगामा 2 में कहानी के दो ट्रैक हैं। पहला तो ये जान लीजिए कि कपूर खानदान की युवा चिराग आकाश यानी कि मिजान जाफरी के घर में एक युवती वीणा यानी कि प्रणीता सुभाष नन्हे बच्ची को लेकर आई है। वीणा का दावा है कि आकाश इस बच्ची का पिता है और वो इस बच्ची की माँ है, लेकिन आकाश इस बात से इनकार कर देता है। हाँ, ये जरूर मानता है कि कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे और उनके बीच प्रेम संबंध था। दूसरा ट्रैक वकील राधे तिवारी यानी कि परेश रावल और उनकी पत्नी अंजलि यानी कि शिल्पा शेट्टी का है। अंजलि और आकाश की बातें सुनते हुए शिक्की तिवारी को लगता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी आकाश के साथ। कहानी में तमाम किरदार इन्हीं दो बिंदुओं के बीच कॉमेडी पैदा करते हैं। कि क्या वाणी जिस बच्ची को लाई है वो आकाश की संतान है या फिर तिवारी का शक सही है। ये बातें निकलती हैं तो दूर तलक जाती हैं, मगर सीधी सरल ढंग से नहीं, उलझते हुए, किरदारों में कंफ्यूजन करते हुए। निर्देशक प्रियदर्शन 8 साल बाद हिंदी फिल्म लाए हैं। इससे पहले 2013 में वो रंगरेज के साथ आए थे। मलयालम और तमिल में फिल्में बनाकर राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पद्मश्री प्राप्त प्रियदर्शन हिंदी में विरासत जैसे फिल्म के लिए याद किए जाते हैं और कॉमेडी में उन्होंने हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, चुप चुप के, भागम भाग, माला माल विकली और भूल भुले जैसी याद रखने लायक फिल्में दी हैं। वहीं दूसरी तरफ हंगामा 2 से शिल्पा शेट्टी 14 साल बाद स्क्रीन पर वापस आई हैं। आखिरी बार वो देओल परिवार के साथ फिल्म अपने में दिखी थी। ये अलग बात है कि इस वापसी का जश्न मनाने की जगह शिल्पा इधर अपने पति राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में फंसने से परेशान है। OTT डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई हंगामा 2 का अंदाजे बयां वही है जो हंगामा का था। इसमें प्रदर्शन के निर्देशन की पुरानी झलक मिलती है और जिन दर्शकों को 1990 और 2000 के दौर में इस निर्देशक का काम पसंद आता था, उन्हें ये फिल्म मजा देगी। प्रदर्शन की कॉमेडी में कई किरदार होते हैं और कहानी जैसे तैसे बढ़ती है। हंगामा खड़ा हो जाता है। वो बात आपको यहाँ भी मिलेगी। हंगामा 2 की खूबी यही है कि इसमें मुख्य कहानियों के सभी किरदारों को लगभग बराबर का मौका मिला है। संतुलन बिल्कुल सही है। कहानी किसी एक किरदार की तरफ नहीं झुकती है। आशुतोष राणा हीरो के पिता के रोल में है और पूरी फिल्म में उनकी जबरदस्त मौजूदगी है।
मिजान की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने कॉमिक टाइमिंग को बखूबी पकड़ा है। परेश रावल और शिल्पा शेट्टी बढ़िया है। प्रणीत सुभाष स्क्रीन पर जब जब आती हैं तो राधिका आप्टे की याद दिलाती हैं। हालांकि उन्होंने अपने काम को सही ढंग से किया है, वहीं जॉनी लीवर और अक्षय खन्ना अपनी मेहमानों वाली भूमिकाओं में जमे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच राजपाल यादव को एक बेहतरीन सीन मिला है और उन्होंने उसे शानदार ढंग से परफॉर्म भी किया है। कलाकारों की इस रोचक कास्टिंग में इतना जरूर है कि मिजान और प्रणीता के अतिरिक्त सभी खिलाड़ी जो हैं पुराने हैं, सब पर उम्र का असर दिखने लगा है। समय के साथ सिनेमा और कॉमेडी का अंदाज भी बदल गया है, इसलिए जिनका मनोरंजन नए ढंग की तेज रफ्तार फिल्मों से होता है, उन्हें हंगामा 2 की रफ्तार धीमी और मेकिंग गुजरे जमाने की लगेगी। फिल्म में शैतान बच्चों की टोली और उन्हें सुधारने के लिए बार बार टीचर बदलने का प्रसंग बासी लगेगा। इन दर्शकों के लिए फिल्म की लंबाई भी अधिक है, करीब 2 घंटे 36 मिनट। जी हाँ, यहाँ गीत संगीत औसत है और 1994 में आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जो कि अक्षय और शिल्पा की मूवी थी, यहाँ गीत संगीत बिल्कुल औसत है। और 1994 में आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के गाने चुरा के दिल मेरा गोरिया चली का दूसरा वर्जन भी आपको सुनने को मिलेगा। फिल्म का कैमरा वर्क जरूर अच्छा है, वहीं हंगामा 2 को थोड़ी कसावट के साथ संपादित किया जाता तो शायद ये और बेहतर होता। हंगामा 2 के प्रमोशन के दौरान शिल्पा शेट्टी अपनी हॉट ड्रेसेस और लुक से खूब हंगामा मचा रही थी। शिल्पा के कमबैक की जबरदस्त चर्चा भी हो रही थी, तभी अचानक राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंस गए और हंगामा कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज हो गया। एक तरफ शिल्पा शेट्टी से पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसी दौरान सोशल मीडिया पर शिल्पा ने शुक्रवार शाम 7 बजे करीब दर्शकों से हंगामा 2 देखने की अपील की। शिल्पा के इस पोस्ट से थोड़ा अचरज हुआ कि इस माहौल में भी उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे पोस्ट हो रहे हैं। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात भी काफी दिलचस्प रही है। कहा जाता है कि राज कुंद्रा ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी शिल्पा के साथ अफेयर रखा। यहाँ तक कि राज की पत्नी कविता शिल्पा को होम ब्रेकर तक भी कहती थी। लेकिन राज कुंद्रा भी आरोपों के मामले में पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी पत्नी पर कई संगीन आरोप लगाए। लेकिन चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल राज कुंद्रा ने 2003 में कविता कुंद्रा से शादी की थी, लेकिन उनका 2006 में ही तलाक हो गया। कविता के साथ कुंद्रा की बॉन्डिंग कुछ जम नहीं पाई। वहीं कविता ने पति राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी की वजह से ही उनकी शादी टूटी। वहीं राज ने कहा था कि कविता का उनकी बहन के पति के साथ अफेयर चल रहा था और यही उनके शादी टूटने की वजह भी बनी थी। बता दे कि ये खुलासा राज ने कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में किया था। वैसे आपको बता दे कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। लंदन में जहां शिल्पा रियलिटी शो बिग ब्रदर जीतने के बाद पॉपुलर हुई, वहीं राज भी बिजनेस की दुनिया में फेमस थे। दोनों की मुलाकात शिल्पा के परफ्यूम ब्रांड S2 के प्रमोशन के दौरान हुई और राज ने शिल्पा के परफ्यूम ब्रांड को प्रमोट करने में मदद भी की। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और आखिरकार दोनों प्रेमी जोड़ों ने 2009 में शादी भी कर ली और अभी कपल के 2 बच्चे भी हैं। अब इसी बीच में एक वीडियो और स्टेटमेंट खूब वायरल हो रही है, जिसमें कपिल शर्मा शो में राज अपनी बीवी शिल्पा और साली कविता शेट्टी के साथ पहुंचे थे और इस वक्त मजाकिया लहजे में कपिल ने उनसे पूछा कि बिना कुछ किए आप इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं। तो ये थी राज और शिल्पा के शादी और अब तक के साथ की कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि किन आरोपों की वजह से आज दोनों कपल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को फिर से 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया था। अब इसी बीच उनका एक ईमेल लिख हुआ है जिसमें कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। अश्लील फिल्मों से इस कारोबार के प्रोजेक्ट को ख्वाब नाम दिया गया था। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। रात 9 बजे वो मुंबई क्राइम ब्रांच के
भाई कला दफ्तर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली और इसके बाद रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये केस बहुत बड़ा है, ये सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है। आरोपित संगठित तरीके से इसे अंजाम दे रहे थे। इस मामले में कुंद्रा समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और अन्य कुछ लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश अभी भी जारी है, जिसमें कुंद्रा का बहनोई भी शामिल है। पोर्नोग्राफी केस में जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है तो अब बाहर हर किसी के जहन में बस दो ही सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या राज कुंद्रा वाकई पॉल फिल्म रैकेट के मास्टरमाइंड है, और दूसरा सवाल ये कि राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में कितने साल तक की सजा हो सकती है। इन दोनों सवालों के बीच ही राज कुंद्रा का केस सारा दमोदार टिका हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इसी साल फरवरी महीने से पोर्नोग्राफी केस पर लगातार जांच और गिरफ्तारियां कर रही है। वहीं सोमवार को राज कुंद्रा को भी इसी मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। राज को 27 जुलाई तक किलर कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। राज कुंद्रा के वकीलों ने मुंबई हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। बहुत संभव है कि सोमवार को राज कुंद्रा को जमानत मिल जाए, लेकिन पुलिस की जांच आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म बनाने, पॉर्न फिल्मों का कारोबार करने, इन अश्लील फिल्मों को प्रसारित करने के दोषी पाए जाते हैं तो आखिर उन्हें कितनी और क्या सजा मिलेगी। आइए समझते हैं देश का कानून। यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राज कुंद्रा के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 34, 292 और 293 आईटी एक्ट और महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम की धारा 67A और बाकी संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस कोर्ट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में ये दावा किया जा रहा है कि अभी तक की जांच के मुताबिक राज कुंद्रा ही पॉर्न फिल्म रैकेट के मास्टरमाइंड है। जांच के बाद पुलिस के पास इस बात के सबूत हैं कि राज कुंद्रा अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के जरिए न सिर्फ पॉर्न फिल्में बनाते थे, बल्कि इसके प्रसारण के लिए उन्होंने हॉटशॉट नाम से एक ऐप भी बनाया था। यही नहीं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप चैट से ये भी पता चलता है। इसी बीच शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। अब ऐसे में एक्ट्रेस ने इस तनातनी के माहौल के बीच लोगों से हंगामा 2 देखने की अपील की है और अपनी एक स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आइए देखते हैं क्या है शिल्पा के इस पोस्ट में। शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हंगामा 2 का पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मैं योग का अभ्यास करती हूँ और इसकी शिक्षा पर विश्वास भी करती हूँ। जिंदगी जिस लम्हे में होती है वो सिर्फ वर्तमान है। अब एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की है और फिल्म पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। इसलिए आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति की खातिर अपने पूरे परिवार के साथ हंगामा 2 देखिए, जिससे कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। शुक्रिया, आभार। शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा। चलिए बात करें हंगामा 2 की, तो एक सीक्वल फिल्म है। हंगामा 2003 में प्रदर्शन ने बनाई थी। अक्षय खन्ना, परेश रावल, अफ्ताब सिद्दीकी ने दर्शकों को खूब हंसाया था। लेकिन क्या हंगामा 2 मनोरंजक है? क्या इसमें उसी स्तर की कॉमेडी है? हमारा जवाब है नहीं। हंगामा बहुत जुलाऊ और उबाऊ फिल्म है। प्रदर्शन ने हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी फिल्में बना रखी है। उनकी 2003 में आई फिल्म हंगामा दर्शकों को हंसाने में कामयाब रही थी, लेकिन हंगामा 2 नहीं रही। हंगामा के मुकाबले ये फिल्म कहीं ठहरती नहीं है। फिल्म की कहानी बहुत घटिया लिखी गई है, एक के बाद एक कई सीन बीत जाते हैं, लेकिन हंगामा 2 में आपकी रुचि नहीं बढ़ती है। कहने को तो फिल्म में कई सारे कॉमेडी सीन्स हैं, लेकिन एक सीन पर भी आपको हंसी नहीं आएगी। आप यही सोचते हैं कि क्या बकवास दिखा रहे हैं। इस फिल्म में परेश रावल जैसे दिग्गज एक्टर की कॉमेडी भी आपको पसंद नहीं आएगी। शिल्पा शेट्टी खूबसूरत तो बहुत दिखी हैं, लेकिन सालों बाद वापसी हुई है, इसलिए वो भी एक्टिंग करना शायद भूल गई हैं।
आशुतोष राणा का फिल्म बहुत लंबा रोल है, लेकिन एक छोटे से सीन में भी वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मिर्जान जाफरी भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। कॉमेडी क्या, उनसे तो एक्टिंग भी नहीं हो पा रही है। एक्ट्रेस प्रनीता सुभाष ने बहुत लाचार अभिनय किया है। एक साथ जब फिल्म के सभी कलाकारों ने इतनी खराब एक्टिंग की है तो इसका क्रेडिट डायरेक्टर को मिलना चाहिए। समय के साथ सिनेमा बहुत बदल गया है, लेकिन प्रियदर्शन खुद को बदल नहीं पाए हैं। प्रियदर्शन ने एकदम आउटलेटेड फिल्म बनाई है। अनुकल्प गोस्वामी और मनीषा कोर्दे ने हंगामा 2 की कहानी लिखी है और उनकी लिखी कहानी लोगों को जरा भी इंटरटेन नहीं करती है। यूनुस सजवाल का स्क्रीन प्ले भी इस फिल्म को ले डूबा। अनु मलिक का संगीत भी मध्यम दर्जे का है। आप चाहें तो इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। हमारी तरफ से हंगामा 2 को 2 स्टार। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। राजनीति से लेकर काम का